दोस्तों नमस्कार आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके सामने वसीम, और अभी तक मैंने आपको टेंसेस के अलावा ग्रामर और ग्रामर में एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है जिसका नाम है नाउन। और नाउन के पांच मैंने आपको भेद बताए हैं, और उसके बाद जो अब चैप्टर जो आ रहा है वो नाउन का ही एक पार्ट है, और वो है अपना जेंडर का पार्ट, GENDER, जेंडर। जेंडर मीन्स लिंग। तो अभी तक आपने जितने भी मेरे वीडियो देखे हैं उसमें आपने बहुत ही मुझे सराहा भी है, आपने इज्जत भी दी है, प्यार भी दिया है, साथ में कमेंट्स भी दिए हैं। और एक खुशी की बात यह है कि आप इंग्लिश के अलावा अब कुछ GK एंड फैक्ट्स के बारे में सीख रहे हैं। हमारा नया एक YouTube चैनल आया है जिसका नाम है GK एंड फैक्ट्स, आप उसको भी देखते रहिए। उसमें क्वेश्चंस कुछ आपसे पूछे गए हैं, हर क्वेश्चन के चार जवाब हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक जवाब सही है, तीन गलत हैं। 10 सेकंड का वक्त आपको दिया जाता है, अगर आप 10 सेकंड में नहीं बता पाते हैं तो हम फौरन उसका जवाब भी आपको बताते हैं। आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो जो प्रोग्राम हमारा GK वाला है, GK एंड फैक्ट्स का, तो हम उसमें पहले एक GK की वीडियो डालते हैं जिसमें 10 क्वेश्चन, उसके बाद फैक्ट्स में हम आपसे एक क्वेश्चन टाइप की चीज हम आपको देते हैं, जैसे हमने आपसे पूछा कि रेल की पटरी के बीच में पत्थर क्यों डाले जाते हैं, फिर उसके हम पूरी आपको डेफिनेशन देते हैं, आप उसको भी देखते रहिए। हमारा ये ओनली फॉर करियर चैनल भी देखते रहिए, और दोनों के लिए मैं आप लोगों से, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर हो सके एक छोटा सा कमेंट दीजिए। चलिए आज के नया टॉपिक हम शुरू करते हैं जिसका नाम है जेंडर। जेंडर का मतलब होता है लिंग, और इंग्लिश में जेंडर होते हैं चार तरीके के। नंबर एक होता है मास्कुलाइन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर, और चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर। जो मास्कुलाइन जेंडर, जो पहले नंबर का जेंडर होता है, वो केवल ही कैटेगरी यानी के पुरुष की कैटेगरी के बारे में बताता है। हर वो वर्ड जो पुरुष की कैटेगरी में आता है उसको हम मास्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे हमने पूछा कि ये घोड़ा जो वर्ड है, घोड़ा ये कौन सा जेंडर है, तो आप बिल्कुल आराम से कह सकते हैं कि ये मास्कुलाइन जेंडर है, क्योंकि घोड़ा जो है ही की कैटेगरी में आता है। ऐसे ही फेमिनाइन जेंडर बहुत ईजी है, देखिए ऐसे ही फेमिनाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर मास्कुलाइन जेंडर का अपोजिट होता है, यानी कि अगर वो ही है तो ये शी होगा। तो मास्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर ये दोनों एक ही दूसरे से मिलते जुलते हैं, ही और शी का फर्क है। नंबर तीन पर आता है कॉमन जेंडर। आपने देखिए कॉमन नाउन पढ़ा है, तो ऐसे ही कॉमन जेंडर है, हर वो वर्ड जिसमें आपको लेडीज या जेंट्स कैटेगरी की पहचान नहीं होती है, आप सस्पेंस में रहते हैं वेदर इट बिलोंग टू ही और शी, तो ये आपका होता है कॉमन जेंडर। जैसे मैंने बोल दिया टीचर, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, तो टीचर जो वर्ड है उसमें ही या शी की पहचान नहीं है, क्योंकि मे बी टीचर ही और मे बी टीचर शी, टीचर ही भी हो सकता है और शी भी हो सकती है, इसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। और एक दो एग्जांपल ले ली, जैसे हमने बोल दिया प्लेयर, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, खिलाड़ी लेडीज भी हो सकती है और खिलाड़ी जेंट्स भी हो सकता है। चौथे नंबर का आपका आता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है जिसके अंदर बिल्कुल जान नहीं होती है, बिल्कुल बेजान होता है, लेकिन जेंडर की कैटेगरी में आता है। और जेंडर की कैटेगरी में कैसे आता है, जैसे मैंने आपसे बोल दिया टेबल, टेबल का मतलब होता है मेज, तो ये जेंडर है, लेकिन इसमें चूंकि जान नहीं है इसलिए न्यूट्रल जेंडर है, हर वो जेंडर जो बिना हेल्प के काम ना कर पाए
उसको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। कोई भी नाम हो, जैसे आपने बोल दिया चेयर, आपने बोल दिया बाइक, कार, ये सब न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। तो ये थे आपके चार जेंडर। मैं डेली आपको ऐसे एक एक टॉपिक पढ़ाता रहूंगा, आपको नोट्स भेजता रहूंगा, उसके साथ एक्सरसाइज भेजूंगा, उसके बाद मैं आपको उसका सॉल्व किया हुआ भी एक्सरसाइज भेजूंगा। लेकिन आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए, और साथ में इस चैनल से आपको एक एक बच्चे को जोड़ना है और जोड़ते रहिए, जिससे वो आगे कदम बढ़ाता रहे। आप भी खुश, मैं भी खुश, और अगर हम दोनों खुश तो वो बच्चा भी खुश। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।